मध्य प्रदेश के वित्त वाणिज्यिक कर मंत्री मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा आज शनिवार को मलारगढ़ विधानसभा के बूढ़ा मंडल का दौरा किया। इस दौरान अनेकों जगह भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर पुष्पमाला पहना कर स्वागत सम्मान किया और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जगदीश देवड़ा ने ग्रामीण जनों की मांग पर किए गए वादे अनुसार क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सड़कों का भूमि पूजन तो वहीं अवाना नाले पर सेतु एवं स्टॉप डैम का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर छन। शनिवार को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा ने मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव गोडिया मीणा के पास स्थित शिवना नदी पर सेतु निर्माण का भूमि पूजन किया। इसी क्रम में दो रवाड़ा से खाकरिया खेड़ी में सड़क निर्माण का भूमि पूजन कर खरपालिया से सरवानिया, हरनी खेड़ा से मेन रोड, मंचाखेड़ी से मीणा की मंचाखेड़ी तक करोड़ों की सड़कों का भूमि पूजन कर आवना नाला पर सेतु एवं स्टॉप डैम का लोकार्पण किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी मेरा तीसरी बार चुनाव हुआ और जहां जहां काम की बोलता हूं और अगर काम पूरा होने में थोड़ी देर हो जाती है तो संकोच होता है। इस गांव में चलेंगे और सड़क बनाने की बोला था, बन नहीं पाई, शर्म आ जाती है और इनको 60 साल हो गए, बिल्कुल शर्म नहीं आती। उसके बाद भी ये लोगों के बीच में जाते हैं और चुनाव में आ जाते हैं, कितनी मोटी चमड़ी होगी, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। अगर 60 साल में ये लोग काम करते और जाने का पैसा खर्च करते तो हिंदुस्तान में ये आवेदन देने वाले कोई नहीं मिलते। पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगवाने के लिए हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना नहीं करते। 60 साल एक छत्र सरकार खजाना वही है, प्रधानमंत्री का पद भी वही है, मुख्यमंत्री का पद भी वही है, वित्त मंत्री पहले भी होंगे, खजाना पहले भी था, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत खराब थी। सारे हिंदुस्तान में आप काम देख लो, सब बैठे हैं। अपने गाँव के लोग क्या गलत थे, गाँव की सड़कें नहीं थी, डामर रोड तो दिखाई नहीं देता था। भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके गांव-गांव में पक्की सड़कें बना दी, डामर रोड बना दी। अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अवतार हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कभी यह नहीं कहा यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ सड़क नहीं बनाएंगे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गाँव में सड़कें बनवाई। 10 करोड़ के काम यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण के काम हुए हैं, पुलिया का लोकार्पण भी हुआ है, 3 सड़कों के भूमि पूजन हुए हैं और ये श्रृंखला लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। चारों मंडल में हमने भूमि पूजन के अभी लगातार कार्यक्रम किए हैं। अभी कम से कम भी 10-20 करोड़ के 25 करोड़ के काम अभी और भूमि पूजन के बाकी हैं और पहले बहुत कुछ हो चुका है। बहुत बड़ी योजना इसमें सिंचाई योजना इस मलारगढ़ तहसील के लिए आने वाली है, मलारगढ़ माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना जो लगभग 1000 करोड़ की होगी, जो यहाँ के खेतों को गांधी सागर का पानी मिलेगा जिससे वो सिंचाई होगी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 1700 करोड़ की योजना कायमपुर की जो सिंचाई योजना स्वीकृत हुई है, उससे भी हमारे बहुत सारे सीतामो तहसील के गांव लगभग उससे जुड़े हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास की प्रक्रिया चल रही है जो लगातार चलती रहेगी। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।